कितने स्टूडेंट्स हैं आईटीआई से? सारे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स? बाहर के कितने हैं जो आईटीआई में पार्ट नहीं लेते हैं? ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपको पता है एनएससी है ना, एनसीएस, तो एनसीएस में हमारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेजेस होते हैं पाइथन जैसे होता है। आज की तारीख में आप सबको एंड्रॉइड के बारे में पता है, सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है, तो एप्स बनाना अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप कोई एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपने रेस्टोरेंट चलाने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज के लिए अटेंडेंस लेनी है, तो आप उसके लिए एक ऐप बना सकते हैं। आप अपना कोई बिजनेस चलाते हैं, उसमें आप ऐप के थ्रू ऑर्डर्स ऑनलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे लोकली कई सारे रेस्टोरेंट्स आज की तारीख में चल रहे हैं और कई सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस भी शुरू कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलके भी अगर आप ट्रेंड हैं तो किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करके उस सिस्टम को मेंटेन करके अपना काम चला सकते हैं। होता क्या है इस तरह के ट्रेनिंग्स में कि कई बार हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद अकेले पड़ जाते हैं, और इन चीजों में जरूरत है टीम एफर्ट की, कि अगर हम दो या तीन लोगों की टीम बनाएं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहां से ट्रेन होके बाहर जब जाएंगे तो अपना खुद का कुछ बिजनेस चला पाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूं कि यहां पे ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद बंदा अपने घर चले जाता है, और घर पे जाने के बाद वो क्लूलेस होता है कि मैं पैसे कहां से इकट्ठा करूं, काम अपना बिजनेस कैसे शुरू करूं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रेनिंग का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की जो ट्रेनिंग है, सबसे पहले तो आईटीआई को और हमारे वाईपी को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं दैट उन्होंने काफी मशक्कत करके फाइनली इसको रियलाइज किया, और अभी पिछले एक महीने में कई अलग अलग ट्रेनिंग्स को शुरुआत किया गया। जैसे मड़वा के लोगों को सोलर पैनल्स और सोलर बैटरीज के रिपेयर की ट्रेनिंग दी गई, आज हम माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके पहले टूरिज्म सेक्टर में आरसीटी ने लोगों को ट्रेनिंग दी कैसे आपको टूर गाइड बनना चाहिए, और लोगों को जाई वैली भदरवा भी वो कल लेके गए थे। अभी आने वाले टाइम में हम लोग कुछ लोगों को माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए पहलगाम भी ले जाएंगे, जहां पर कि जवाहर माउंटेनियरिंग कोर्स है, इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग ट्रेनिंग्स तो काफी सारी करा रहे हैं, बट उनका आउटकम भी निकलना चाहिए। तो इट इज नॉट इनफ कि आप लोग ट्रेनिंग ले लें और एक सर्टिफिकेट ले लें एंड दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने मैडम को भी रिक्वेस्ट किया कि अगर हम यहाँ पे एक पाइथन और एमएस एक्सेल, दोनों ही बड़े जरूरी चीज है, आप किसी भी दुकान पे जाओ, जहां भी शोरूम होगा वहां पे एमएस एक्सेल के थ्रू ही आपकी सारी बिलिंग होती है। अगर आपको वो चलाना आता है तो यू कैन ऑलवेज गो एट एनी बिलिंग काउंटर अप्लाई फॉर द जॉब, है ना। कैंटीन्स में आप लोग जा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज। पाइथन का मैंने आपको बताई दिया किस तरह से एप्स और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए आजकल सबसे मेन ऐप है। तो अगर हमने इन सारी ट्रेनिंग्स को रियलिटी में कुछ करके भी दिखाना है ग्राउंड पे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोकल लोगों से भी इनका इंटरेक्शन करवाएं, जिन लोगों ने इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके अपने जॉब्स और अपने बिजनेसेस को चलाया है। इट विल बी मोर ऑफ अ, दोनों काम हो जाएंगे हमारे, एक तो उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग से इनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, कैसे ट्रेनिंग के बाद कैसे क्या करना है वो पता चल जाएगा,
और उसके साथ साथ वो लोग भी इन लोगों से इंटरेक्ट करके कुछ लोगों को शायद जॉब भी ऑफर कर दे, क्योंकि इनके जो स्किल सेट बनेंगे उसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। तो दोनों चीजें हम लोग एक काम से कर पाएंगे। तो वो एक इंटरेक्शन हम लोगों ने लोकल बिजनेसेस के साथ इनका कराना चाहिए। वी कैन शेड्यूल इट प्रोबेबली ऑन डे 6, जब आपका लास्ट डे हो, के तब तक ये लोग थोड़े जानकारी भी ले चुके होंगे और थोड़ा कुछ सीख चुके होंगे। बाकी आई थिंक अच्छा सेशन होने वाला है। टीम हैज कम फ्रॉम दिल्ली टू टीच यू, तो आप अपना जो भी डाउट्स हैं उसको रेडीली पूछिए। पूरा हॉल जैम पैक्ड है, तो मेरे को उम्मीद है कि काफी सारे यूथ्स इससे बेनिफिट करेंगे, और सोसाइटी में जाके अपनी यूटिलिटी को तलाशना है। तो हर जगह पे जो भी आप चीज सीखते हो, आप लोगों ने उसका रेलेवेंस सीखना है, ताकि आप कैसे उसके थ्रू जॉब ले सको, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सको या किसी के लिए काम कर सको, इसको आप रियलाइज कर सको। तो इसी के साथ ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को मुबारकबाद देता हूं एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। यूथ के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ITI की ITI किश्तवाड़ की तरफ से एक 6 दिन का एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स जो है एक्सेल और पाइथन के रिलेटेड, जो ITI के रिलेटेड जो ट्रेनीज हैं, जो बच्चे हैं, उनकी अपस्किलिंग के लिए ये कोर्स किया जा रहा है। इसमें पर्सनली DC साहब की इंटरवेंशन के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट के ट्रेनर्स थे वो दिल्ली और चंडीगढ़ से यहाँ पे लाए गए हैं और वो ये इन बच्चों को ट्रेनिंग किए हैं। इसके बाद पूरी सर्टिफिकेशन जो होगी वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगी। इस तरह की ट्रेनिंग्स का, इस तरह के कोर्सेज करवाने से जो है इनके बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल है ये बढ़ जाएगा और ये डिफरेंट सेक्टर्स में जाके अपनी अपस्किलिंग शो कर सकते हैं। इस तरह से इस मॉड्यूल को बनाया गया है कि जो भी मार्केट में ITI के रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है और पर्टिकुलरली इन चीज़ों के बारे में रिलेटेड होती है, उन सब एस्पेक्ट्स को टच किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ये बच्चे फुली इसमें अडेप्ट हो जाएं और मार्केट में जाके ये अपना काम कर सकें, या जो जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी की पोटेंशियल है ITI सेक्टर में, वहाँ पर जाके अपने आप को प्रजेंट कर सकें। ये एक्चुअली ये DC सक्षम जो प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट CSR एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जॉइंटली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है इंडिया में। ये फेज़ 2 में हम लोग ट्रेनिंग पैन इंडिया में कर रहे हैं, बट रिसेंटली हम लोगों को यह डिस्ट्रिक्ट DC साहब के तरफ से हम लोगों को रिक्वेस्ट आया था कि ये जो प्रोग्राम के अंदर जो एडवांस्ड ITI कोर्सेज का जो ट्रेनिंग सब बच्चों को पैन इंडिया में मिल रहा, तो उनके तरफ से उनका कंसर्न ये था कि ये हमारे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ के जितने भी ITI के बच्चे हैं उनको भी यह फ़ायदा मिले, वो भी एडवांस्ड कोर्सेस ट्रेनिंग कंप्लीट करें और माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के साथ जो को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मिलता है, जो ये कम्प्लीटली फ्री है माइक्रोसॉफ्ट CSR के अंडर में, तो ये किश्तवाड़ के बच्चों को भी इससे फ़ायदा उठाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आना हुआ, जो ट्रेनर दिल्ली से हम लोगों ने लेके आए, मेरा नाम इमरान है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, आई एम फ्रॉम TMI ग्रुप, हैदराबाद से हैं। क्या इस तरह की ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम किश्तवाड़ के ITI में दी जा रही है या पहले भी आप लोग आए हैं? यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो प्रोग्राम सब MCC जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ उनके जितने भी MCC है सब जगह उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग जो है ना ये फर्स्ट टाइम हम लोग किश्तवाड़ में ही करवा रहे हैं। आप इतने दूर से आए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप किश्तवाड़ के यूथ्स को आखिर में? बस हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ITI सॉफ्टवेयर का जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ा है, यहाँ के भी बच्चे ये ITI कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लें और यहाँ के भी स्टूडेंट यूथ जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट हासिल करें और वो भी अपना करियर भी ग्रोथ करें और फैमिली को भी उसका फ़ायदा मिले। चूँकि आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलेबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ एंड मॉडल करियर सेंटर किश्तवाड़ एक जॉइंट डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो कि आज ही DC सर ने इनॉग्रेट किया हुआ है। इन बच्चों को, जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड और एस्पायरिंग यूथ है किश्तवाड़ को, इनको हम MS Excel और पाइथन में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 6 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। ये चूँकि इंडस्ट्री का एक बहुत ही
ज़्यादा स्कोप है इन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसके इमिजिएटली बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 15 अप्रैल को नोएडा में एक जॉब फेयर हो रहा है जिसमें कि 20 से ज़्यादा कंपनीज आ रही है, प्राइवेट कंपनीज। तो इन बच्चों को जो यहाँ से ट्रेन होके जाएंगे या जो निकलेंगे उनको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेंगी, क्योंकि ये बेसिक जो एम एस एक्सेल का है और जो पाइथन का यहाँ से सीख के जाएंगे, और जो पैकेज वो ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 4 लाख से 12 लाख पर एनम का पैकेज वो ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि जे एंड के में मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी है मिलना। मैं बच्चों को, जो ये देखने वाले हमारे बच्चे हैं, उनको इनक्रेज करूँगा कि आप ITI अप्रोच कीजिए या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर है उसको अप्रोच कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एज ए जॉब सीकर या एज अ स्किल सीखने वाले जो सीकर्स होते हैं, एज ए रजिस्टर हो जाइए, ताकि आप जो आगे आने वाले स्किल इनिशिएटिव्स होंगे किश्तवाड़ में उनसे बेनिफिट लें। और एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो ट्रेनर आए हैं हैदराबाद से आए हैं, IMC से आए हैं, तो उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो J&K में हो रहा है, फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन में हो रहा है, ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्दी DC सर एंड प्रिंसिपल ITI कि उन्होंने ये एक एफर्ट लिया और ये इनिशिएटिव लिया किश्तवाड़ जैसे रिमोट डिस्ट्रिक्ट में। क्या आप चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और किश्तवाड़ के अंदर होने चाहिए, क्या आपकी कोशिश रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर है यहाँ पे हमारा एक मॉडल कैरियर सेंटर सेंक्शन हुआ है। इसी फाइनेंशियल ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ फंडिंग्स भी आएंगी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जिसके लिए हम एक एक्सक्लूसिव लेबॉरटरीज, लैब्स और लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर है। तो हम आए दिन रेगुलरली ये कोर्सेस यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं किश्तवाड़ में।